हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फोटो एडिटिंग होने वाली है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने पिछली बार में एक हर्ष मल्होत्रा की फोटो एडिटिंग बनाई थी, उसमें फेस क्रैक की कुछ फोटो एडिटिंग थी, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग हर्ष मल्होत्रा की फोटो एडिटिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम बनाएंगे कुछ इस तरह की फोटो, हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो घंटी का आइकन होगा उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने पिक्सआर्ट की स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैंने इसका मेन बैकग्राउंड ओपन कर लिया है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल की जो फोटो है उसको यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ऐड कर लिया। और फ्रेंड्स, मैंने इसका बैकग्राउंड जो है पहले से इरेज करके रखा हुआ है, अगर आपको इरेज करना नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसको इस तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसके इरेजर में क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसके जो फिंगर आपको दिख रहे हैं, इसकी उंगली, वो चीज़ आपको इरेज कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ वो धुआं टाइप का PNG ऐड होना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको इरेज कर लेना है और यहाँ से कर देना है इसको डन। तो फ्रेंड्स, हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, इसमें डालेंगे फ़िल्टर्स, और फिल्टर्स डालने के लिए हम लोग जाएंगे FX में, और FX में जाने के बाद हम लोग जाएंगे आर्टिस्टिक में, और यहाँ पर डालेंगे फेटल वन। और फ्रेंड्स, ये हमारा इफेक्ट जो है पूरे में अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इसको कर देना है मल्टीप्लाई, और इसका फेड जो है वो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। और यहाँ से कर लेते हैं इरेजर में क्लिक, और यहाँ से कर लेते हैं इसको इन्वर्ट, और यहाँ से इसके ब्रश का साइज आपको देख लेना है कुछ इस तरह रखना है, और इसके जहाँ जहाँ हमें इफेक्ट चाहिए वहाँ आपको पेंट कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से कर देंगे इसको डन, और यहाँ से वापस से डन। तो फ्रेंड्स, इतना हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब हमको जाना होगा FX में, और यहाँ पर इसके ऑयल पेंटिंग हल्की सी देनी होगी। तो यहाँ पर इसकी ऑयल पेंटिंग में हमने क्लिक किया, और इसका अमाउंट जो है वो आप हल्का सा 4 या 5 के आसपास रखेंगे, और इसका फेड जो है वो हल्का सा रखेंगे आप 11 के आसपास, और यहाँ से आपको कर देना है डन। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा इफेक्ट है वो हमारे फ़ोटो में अप्लाई हो गया है। और फ्रेंड्स, हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे इसके ब्यूटी वाले टूल्स में, और यहाँ पर हमें करना क्या है, अपने चेहरे को हल्का सा स्मूथ करना है। तो यहाँ से करेंगे स्मूथ वाले में क्लिक, और यहाँ से इसका अमाउंट देख लेंगे, और इसका स्मूथ वगैरह चेहरे में कर देंगे। वैसे पहले से इसका चेहरा स्मूथ है काफ़ी, लेकिन अगर आपके चेहरे में स्मूथनेस कम है तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ जाके सिंपली इसको स्मूथ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया है। अब हम लोग जाएंगे FX में, और यहाँ पर लेंगे कलर्स वाला टूल, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें कलर के अंदर ही मिलेगा, और यहाँ पर करेंगे कलर रिप्लेसमेंट। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसके चश्मे में क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसके चश्मे कलर आपको चेंज कर लेना है। इतना आप करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इरेजर में क्लिक करना है, और यहाँ से करना है इसको इन्वर्ट, और ब्रश का साइज लेके आपको यहाँ पर इसके चश्मे में पेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप करेंगे तो इससे आपकी फ़ोटो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी, क्योंकि ये कलर हमारे फ़ोटो में है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया। अब हम कर देंगे इसको यहाँ से डन, और यहाँ से कर देंगे वापस से डन। और फ्रेंड्स, इतना हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब फ्रेंड्स, हमको करना क्या होगा, यहाँ से आना होगा ऐड फोटो में, और मैंने जो इसकी हेयर PNG बना रखी है वो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसकी हेयर PNG ऐड यहाँ से कर ली है, और इसको जूम करने के बाद आपको हेयर इसके सेट कर देने होंगे, इसको कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना है। और फ्रेंड्स, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
इवन आपको बैकग्राउंड की लिंक, आपको जितने भी इसमें पीएनजी यूज़ हुए हैं आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वहाँ से जाइए, पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से करते हैं इसको डन। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कितनी बेहतरीन बन रही है धीरे धीरे। अब फ्रेंड्स हम लोग करना क्या होगा, वापस जाना होगा ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग क्या करना होगा, ये जो धुएं वाली पीएनजी स्मोकिंग वाली आपको दिख रही है वो आपको एक एक करके ऐड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको ये वाली पीएनजी यहाँ से ली है और ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग ब्लेंड वाले ऑप्शन में और कर देंगे इसको स्क्रीन। तो स्क्रीन करने के बाद हम क्या करना होगा, जूम करने के बाद आपको इसके उंगली में आपको फिट कर देना है। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाली मैंने उठाई पीएनजी वो आपको इसके अंगूठे में फिट करनी होगी कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स इसको आप अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हल्का सा कुछ पार्ट बाहर निकल रहा है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ से कर देंगे इसको डन और वापस जाएंगे ऐड फोटो में, और दूसरी वाली जो स्मूथ वाली पीएनजी है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ने याली पीएनजी ली थी, अब लेंगे कुछ ये वाली पीएनजी। और क्या करते हैं इसको सारी पीएनजी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको 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 सब ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा काम आसानी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका हमारा काम है नहीं, इसका काम है नहीं, इसका काम है नहीं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो पीएनजी है आपको इसमें काम करना है, और इसमें करना है इसको ब्लेंड, और ब्लेंड से करना है इसको स्क्रीन। और फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह मैंने पहली वाली फिंगर में जो स्मोक वाली पीएनजी इसमें ऐड करी है, बाकी सारी फिंगर में आपको वही काम करना है। तो फ्रेंड्स इसको मैं फास्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है। अब हम लोग करेंगे इसको हल्का सा रिटच। तो यहाँ जाएंगे हम टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे एडजस्ट में, और यहाँ से करेंगे फ़ोटो को हल्का सा एडजस्ट। तो फ्रेंड्स आपको पहला यहाँ ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का, तो आपको ब्राइटनेस नहीं छूना है, आपको जाना होगा कॉन्ट्रास्ट में, और इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना है, इसकी क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है, और इसके सैचुरेशन को हल्का सा घटा देना होगा ताकि हमारे चेहरे में जो लालपन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके ह्यू को आपको नहीं छूना है, आपको इसको हाइलाइट्स को कर देना है हल्का सा 8 के आसपास, और शेडो कर देंगे कुछ इतना -20 के आसपास। फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो बहुत ही बेहतरीन बनती जा रही है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से करना है इसको डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया है। अब हमें करना क्या होगा, हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ताकि हमारी फ़ोटो हल्की से अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जाएंगे हम लोग एडजस्ट में, और यहाँ पर हम लोग हल्का सा इसको ब्राइटनेस बढ़ा देंगे 4 के आसपास, और यहाँ से कर देंगे इसको डन। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें फ़ोटो पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसमें आपको एक टेस्ट पीएनजी यहाँ से इसको ऐड करनी होगी, और यहाँ से आना आपको ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में आपको ये वाली पीएनजी आपको चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पर कर देंगे इसको स्क्रीन, और यहाँ से इसका साइज देख लेंगे, और इसके किनारे इसको सेट कर देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कितनी बेहतरीन बन चुकी है। तो आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।